बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे बीटरूट पूरी, क्विक, इजी और सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, बीटरूट है जिसे छीलकर अच्छे से क्यूब में कट कर लिया है, नमक, हींग, अजवाइन और ऑयल है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल देंगे हम बीटरूट। 2 कप के करीब डाल देंगे पानी और इसे अच्छे से उबाल लेंगे। गैस का फ्लेम कर दिया है ऑन, इसे 2 से 3 मिनट हम उबालेंगे। इसको ढक कर के पकने देते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से पक गए हैं, गल गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। अब बीटरूट को आप छान ले या निकाल ले। अब इसे हम निकाल कर पीस लेंगे। इसे हमने निकाल लिया है और इस पानी का हम गूंदने में आटा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है ग्राइंडर जार, उसके अंदर डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। पीस के हमने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब इसे करते हैं साइड। यहाँ पर ले लेंगे एक बाउल, इसमें हम डाल देंगे आटा, गेहूं का आटा है, पिसा हुआ पेस्ट, नमक टेस्ट के हिसाब से, हींग, अजवाइन, ऑयल। अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो पानी इसका निकला था हम इसी से इसका आटा गूंदेंगे। एक अच्छा सा स्मूथ डो बना लेना है हमें। डो हमने अच्छे से गूंद लिया है आटा, यहाँ पर हमने अच्छे से आटा गूंद लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा हमारा गूंदकर तैयार है। अब हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए, ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे, जितने बड़े आपको बनाने हो उतने बड़े बॉल्स बना लीजिए। अब हम इसे बेल लेंगे। यहाँ पर एक लोई ले ली है हमने, बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा आटा डाल करके अब इसे अच्छे से बेल लेंगे। यहाँ पर एक पूरी हमने बेल करके तैयार कर ली है। हमें बहुत पतली और बहुत मोटी भी नहीं रखनी है। इसी तरीके से हम सब बेल करके तैयार कर लेंगे। पूरियाँ हमने बेल करके तैयार कर ली है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब हम पूरियों को तल लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, इसके अंदर पूरियों को डालकर हम तल लेंगे। पूरी को हमने दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है, तल लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को तल लेंगे। सारी पूरियों को हमने तल लिया है। बीटरूट पूरी हमारी बनकर के तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।